इतनी सारी वैरायटीज की मोमोज की रेसिपी शायद ही आपने कभी बनाई हो। आज मैं पूरे 5 तरह से मोमोज बनाऊंगी, वो भी बिना मैदे के। इस बार आपके सारे त्यौहार बहुत ही खास होने वाले हैं। मिठाइयों के साथ साथ इवनिंग स्नैक्स भी बनाइए और अपने गेस्ट को खुश कीजिए। इसके साथ मैं बनाऊंगी 2 तरह से स्ट्रीट स्टाइल मोमोज की चटनियाँ, जिससे कि ये मोमोज का टेस्ट और बढ़ जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके लिए मैं 1 कप ले रही हूँ सूजी। मैं बारीक वाली सूजी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसे ग्राइंडर जार में डालकर पीस लें। 1 कप इसमें डालेंगे चावल का आटा। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें पानी डालते हुए सॉफ्ट सा आटा गूंदेंगे, क्योंकि सूजी काफ़ी पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और थोड़ी देर रखने के बाद ये टाइट हो जाएगा। इसलिए हम इसको पहले ही थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे और 10 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम और तैयारी करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे टमाटर की चटनी। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनेगी। टमाटर के ऊपर 2 क्रॉस कट लगा लेने हैं। पानी में डालेंगे 2-3 डालेंगे सूखी लाल मिर्चें और 4-5 इसमें लहसुन की कलियां डाल देंगे। इनको तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। फिर इसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे। बहुत ईजीली छिलका इसका उतर जाता है। ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंडर जार में डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। फिर इसको पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। बाउल में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच शेजवान सॉस। इससे इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा हो जाएगा। लीजिए, हमारी बहुत ही आसान सी टमाटर की चटनी बनकर रेडी है। एक बार ट्राई जरूर करें, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा। अब मैं मोमोज के लिए व्हाइट सॉस बनाने वाली हूँ, जो कि मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। एक बाउल में 2 चम्मच ले रही हूँ फ्रेश कर्ड, जो थोड़ी थिक है, और 1 चम्मच इसमें डालेंगे मेयोनीज। मार्केट में बिल्कुल मेयोनीज वाली चटनी होती है, लेकिन हम इसको थोड़ा हेल्दी बनाएंगे। गार्लिक डाल दिया है, काला नमक डाल दिया इसमें, थोड़ी सी डालेंगे इसमें काली मिर्च। अब 1/4 टीस्पून इसमें सूखा हुआ पुदीना डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें ओरिगैनो सीजनिंग डालेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे बीट करके। अब इसमें थोड़ा सा मैं दूध डाल रही हूँ, मुझे थोड़ी ये गाढ़ी लग रही थी। अगर ये पतली हो तो दूध ना डालें। थोड़ी सी इसमें चीनी डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल दूंगी। ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनकर रेडी हुई है। अब हम मोमोज के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। बंद गोभी को बहुत ही बारीक चॉप करना है। ये मेरे पास चॉपर है, इसमें बहुत अच्छा चॉप हो जाता है। साथ ही इसमें प्याज और शिमला मिर्च भी चॉप कर लेंगे। और अब इसके ऊपर पनीर ग्रेट करेंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इस टाइम पर कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। इसमें बीन्स डाली जा सकती हैं, गाजर डाली जा सकती है, जिंजर गार्लिक डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, भुना हुआ जीरा डालेंगे, थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल देंगे। मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह इनको मिक्स कर देंगे। अब डो भी हमारा सेट हो चुका है। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालकर अच्छे से इसको नीट कर लेंगे। इसको अच्छे से गूंदें, तभी हमारे मोमोज काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। स्टीम्ड मोमोज तो हर कोई घर पे बनाता ही है और मार्केट से लाकर भी खाते हैं, लेकिन मैंने आज अलग अलग तरह की सारी मोमोज की रेसिपीज़ बनाई हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। वो छोटा सा एक पेड़ा ले लेंगे और फिर इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, पतला रखेंगे तो ये फट सकता है। अब इसके बीच में अच्छे से स्टफिंग रख देंगे और इसकी प्लेट्स बनाते हुए इसको कवर करेंगे और बंद कर देंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी शेप के मोमोज बना सकते हैं। अब इसको अच्छे से दबा कर बंद कर दें और इसको घुमाकर आप गोल भी मोमोज बना सकते हैं। इसी तरह से सारे मोमोज बनाकर रख लें और हल्के गीले कपड़े से इसको ढक दें ताकि ये सूखे नहीं। अब सबसे पहले हम तंदूरी मोमोज बनाएंगे। इसके लिए मैरिनेशन बना लेते हैं। 1 बाउल में 2 चम्मच लेंगे सरसों का तेल और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। इससे तंदूरी मोमोज में बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। अब इसमें मैं हंकर डाल रही हूँ। छन्नी पर मैंने दही को 1-1.5 घंटे के लिए रख दिया था। पानी सारा इसका अलग हो गया है। 1/2 इसमें नींबू निचोड़ देंगे, काली मिर्च डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 चम्मच डालेंगे काला नमक, इसमें भी सूखा हुआ पुदीना डालेंगे जिससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, कसूरी मेथी डाल देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करके स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अच्छी तरह इसको बीट करना है, कहीं भी इसके लम्स नहीं होना चाहिए। इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भी मिक्स कर देंगे। तेल को अच्छे से एक बार गरम कर लें और फिर मीडियम हॉट ऑयल में मोमोज को फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा ये पक जाए फिर इसको निकाल देना है।
अब इन मोमोज को हम मैरिनेशन में मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करके करें इसको मिक्स, और अच्छी तरह इनको मैरिनेशन में कोट कर दें। बहुत ही टेस्टी ये तंदूरी मोमोज बनते हैं, एक बार बना कर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये मोमोज आपको कैसे लगे। अब जो ये पापड़ के लिए हमारे पास छन्नी होती है, इसके ऊपर ये सारे मोमोज रख के इनको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है। छन्नी को फ्लेम के ऊपर ही नहीं रख देना, नहीं तो ये सारे जल जाएंगे। हिलाते रहना है, सारी तरफ से रोस्ट करना है इसको, एक तरफ से हो जाएंगे, फिर इसको चेंज कर देना है साइड, और दूसरी तरफ से भी इसको थोड़े से गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल मार्केट जैसे लगते हैं। बंद गोभी और प्याज को व्हाइट सॉस में मिक्स करके इसके साथ सर्व कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा ये सैलेड। और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें। अब हम रेड सॉस मोमोज बनाएंगे, इनको मंचूरियन मोमोज भी बोल सकते हैं। मोमोज को डीप फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। पैन में डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, आप बटर भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च, इसको बहुत ज़्यादा बारीक काटना है और हाई फ्लेम पर इनको सॉटे कर लेना है। अब बहुत थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी क्योंकि हमने सॉसेज डालनी है, सॉसेज में बहुत नमक होता है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं हॉट एंड सोर सूप का छोटा पैकेट डाल रही हूँ, आप कोई भी सूप का पैकेट इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ जिस पानी में हमने टमाटर बॉईल किए थे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर इस सूप को पका लेंगे। इस तरह बहुत जल्दी ये रेड सॉस बनकर रेडी हो जाती है। थोड़ा सा इसमें टमाटो सॉस डाल रही हूँ और आधा चम्मच इसमें शेजवान सॉस डालेंगे। सूप से ये मोमोज का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करके देखें, बिल्कुल अलग तरह की रेसिपी है। अब फ्राई किए हुए मोमोज इस सॉस में डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इस रेसिपी को गरम गरम ही सर्व करें क्योंकि अगर रख देंगे तो मोमोज काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। क्रंची क्रंची मोमोज ही बहुत टेस्टी लगेंगे। इस बार फेस्टिवल की पार्टीज़ में इस रेसिपी को ट्राई करें, आपके गेस्ट को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अब हम कौठी मोमोज बनाएंगे, ये नेपाल की बहुत फेमस रेसिपी है। एक पैन में आधा चम्मच तेल लेंगे और अच्छी तरह इसको फैला देंगे ब्रश से। अब मोमोज को इसके बीच में डालेंगे और थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे और ढक देंगे। इसी स्टीम से ये मोमोज पकेंगे और थोड़े से रोस्ट भी हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम रखेंगे इसके लिए। एक साइड जब थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और हर तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप देख ही रहे होंगे स्टीम से थोड़ा सा मोमोज का साइज़ भी बड़ा हो गया है। साइड चेंज करके थोड़ा सा पानी और डालकर इसको ढक देंगे। बहुत ही क्रिस्पी मोमोज बनते हैं, ये रेसिपी भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत कम तेल में ये बिल्कुल फ्राइड मोमोज जैसा टेस्ट देते हैं। लीजिए, हमारे कौठे मोमोज बनकर रेडी हैं। आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, एक बार ही अपने बच्चों को खिला कर देखें। अब हम चीज़ी मोमोज बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही थोड़ी छोटी सी पूड़ी बनाकर उसके बीच में स्टफिंग डालेंगे और साथ ही चीज़ डाल देंगे और इसको प्लेट्स बनाते हुए कवर कर देंगे। इन मोमोज को हम स्टीम करेंगे, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी शेप का इसको बना लें। ये मैं इडली स्टैंड ले रही हूँ, इसमें सारे मोमोज लगा देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इनको स्टीम कर लेंगे। आप इसको कढ़ाई में प्लेट में रख के भी कर सकते हैं। लीजिए, हमारे 15 मिनट में स्टीम्ड मोमो बनकर भी रेडी हैं। इस बार की फेस्टिवल पार्टीज़ के लिए आपके पास 5 रेसिपीज़ हैं मोमोज़ की, इनमें से कोई भी रेसिपी आप ट्राई करें। सभी रेसिपीज़ बहुत ही अलग तरह की हैं और आपको सबको बहुत पसंद आएंगी। ऐसी ही और फेस्टिवल स्पेशल रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरी वीडियोस फेसबुक पर देखते हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।